बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अनिल जैन ने अमित शाह के रोड शो पर हुए हमले पर कहा कि अमित शाह की हत्या की पूरी कोशिश की जा रही थी। बंगाल में जो हमला हुआ, इस हमले का जवाब बंगाल की जनता देगी। इस पर अनिल जैन से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। सर, मेरे साथ राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन जी हैं। सर, कल आप वहां रैली में थे और वहां पर जो भी मसला हुआ, क्या हुआ सर? आप अमित सर के साथ उनके बगल में खड़े थे, आप लोग कह रहे हैं कि नौबत ऐसी आ गई थी कि लग रहा था कि बच के जाना यहां से मुश्किल हो रहा है। देखिए, जिस प्रकार से ये साजिश के तहत और रणनीति बनाकर हमला किया गया, अमित भाई का रोड शो 2 घंटे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, लाखों की संख्या में जहां कार्यकर्ता थे, लेकिन एकदम शांतिपूर्ण था, कहीं कोई तिनका भी नहीं टूटा था। और टीएमसी के गंडों ने एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन तीन जगह आक्रमण करके इसको डिसरप्ट करने की कोशिश करी और ये बौखला गए हैं। जब जिस प्रकार का ये जनता का समर्थन अमित भाई की शाह के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ देख रहे हैं, ममता दीदी की हार स्ट्रीट्स पर लिखी है, रिटन ऑन द वॉल्स, ये अब तय हो गया है। इसको देखकर वो बौखला गए और उन्होंने अमित भाई के ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की। सीआरपीएफ ने उनको अपने प्रोटेक्टर्स के थ्रू बचाने की जो कोशिश की है, उसकी मैं सराहना करता हूं। सर, आप आंखों देखी वहां पर सारा मसला था, आपके सामने था। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं कि सर ने कहा, अमित सर ने, कि तीन हमले हुए, जीप पर बहुत कुछ फेंका गया, सर वो क्या क्या चीज था जो जीप? देखिए, वो देखा, मेकआउट नहीं किया जा सकता, उनको तो डिफ्लेक्ट कर दिया गया, लेकिन वो पत्थर भी हो सकते हैं, बॉटल्स में कुछ आग्नेय लिक्विड भी हो सकता है। हमने उसकी कोई जांच नहीं करी, ना हमने देखा कि क्या है उसमें, लेकिन ऐसी चीजें फेंकी गई। उनके हाथ में लाठी, डंडे, भाले, चुरे, ये सब उनके गुंडों के हाथ में थी। सर, जो मूर्ति वहां पर टूटी है 2 कमरों के अंदर, आप कह रहे हैं कि इतनी सिक्योर जगह पर हम जाके अंदर कैसे तोड़ सकते हैं, जबकि वहां पर सारी व्यवस्था उन टीएमसी वालों की थी, तो ये दिखाकर क्या हासिल करना चाह रहे हैं टीएमसी? सर, टीएमसी ये अब ये हारी हुई बाजी को इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर ईश्वर चंद विद्यासागर जैसे लब्ध प्रतिष्ठित और बड़े व्यक्ति की प्रतिभा को खंडित करने का घृणित काम करके बीजेपी पर तोहमत लगाना चाहते हैं और बंगाल की जनता में ये भ्रांति फैलाना चाहते हैं। इस भ्रांति के सारे वो जीत हासिल करना चाहते हैं, जो कि अब मुकम्मल नहीं है। अब जनता समझ चुकी है, टीएमसी एक्सपोज हो गई है, टीएमसी ने इस हथकंडे को भी अपना कर देख लिया और बंगाल की जनता अब ममता दीदी को उखाड़ कर ही फेंकेगी। तो सीधा सीधा अनिल जैन जी का साफ साफ कहना था कि टीएमसी एक्सपोज हो चुकी है, वो जो करना चाहती थी, खास करके इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का हत्या करने का प्लान था, लेकिन क्योंकि हम सीआरपीएफ के घेरे में थे, उनकी सुरक्षा में थे, तो उन जवानों ने हमें बचा लिया, वरना वहां से निकलना मुश्किल था। ये एक बहुत बड़ा आरोप खुद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अमित शाह के बगल में जीप पर खुद महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन जी थे, इनका कहना है। दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप रावत के साथ अभिषेक दुबे, न्यूज ऑल इंडिया।